we'll start with your introduction. Hi, I'm Rani Agrawal. I'm playing the role of Shweta in Rescue. Hello, I'm Rahul. I'm just playing a role of Jatin in Rescue. Okay, Rani, after you know each other's introduction. Sorry. If you want, we can take it more. You look somewhere here. Hi, I'm Rani Agrawal. I will be introducing. So this guy is Rahul, and he is playing the role of Jatin, जो एक हाउस ब्रोकर है मुंबई में और एक हाउस के अंदर खुद ही ट्रैप हो जाता है. And she is Rani. And she's playing the role of Shweta. She's a love interest, yeah. Okay, Rani, after that, how you came on board or rescue ka kaise aap hissa bane? Well, very interesting because jab Nayan ne mujhe is film ka narration diya tha, tabhi aisa nahi socha tha that I'll be playing the role of Shweta. Lekin kuch dates ke issues the, jo bhi the. ऐसा हुआ कि फिर आई एंडेड अप प्लेइंग द रोल ऑफ श्वेता एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी अबाउट इट. तो लोगों जब फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा दैट आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. ओके, जब भी आप जॉब ना मेक इट यू नो इंफॉर्मेटिव. रेस्क्यू इस फिल्म का उस बारे में रेस्क्यू आ रही है रेस्क्यू ठीक है. राहुल, आपसे जानना चाहूंगा आप फिल्म का हिस्सा कैसे बने और क्या किरदार निभाते नजर आएंगे? रेस्क्यू फिल्म में मैं श्वेता का रोल प्ले कर रही हूँ जो कि जतिन की लव इंटरेस्ट है. और जब नयन जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मुझे इस फिल्म का नरेशन दिया था तब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था श्वेता का. इनिशियली आई वाज अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट द लेंथ ऑफ द रोल लेकिन श्वेता का जो कैरेक्टर है वो इस तरह फिल्म में स्प्रेड आउट है एंड शी इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो दैट्स हाउ इट गोज अबाउट. या राहुल, आपसे जानना चाहूंगा आपके किरदार के बारे में. व्हाट कैरेक्टर यू प्लेइंग इन द फिल्म एंड हाउ यू केम ऑन बोर्ड इन रेस्क्यू? सर, ये एक्चुअली हम लोग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली. थोड़ा सा लाइक वी वेर सर्चिंग फॉर इन्वेस्टर्स एंड ऑल फ्रॉम ऑल टीम टुगेदर एक्चुअली. नयन के साथ वी हैव अ 4 years ऑफ फ्रेंडशिप एक्चुअली एंड देन नोबडी हैज केम टू बोर्ड. सो लाइक आई टुक ऑन माई ओन स्लीव एंड देन लाइक आई जस्ट वेंट फॉर अ तेलुगु मूवी एंड आई वॉज डूइंग अ प्रोडक्शन एंड देन सडनली लाइक आई कुडंट एबल टू गेट दैट एंड आई हैव कैंसल्ड दैट वन. और कैंसिल करने के बाद मुझे ये वाला पता चला कि लाइक भाई नहीं हो पा रहा है तो हम लोग कुछ और करेंगे. तो व्हेन ही नरेटेड नायन नरेटेड दिस वन देन आई सेड लाइक नो वी विल स्टॉप दैट मूवी एंड देन वी विल स्टार्ट दिस वन. सो तेलुगु मूवी बंद करके उसके बाद मैंने ये चालू किया था एंड देन वी हैव एक्चुअली प्लान जून आई गेस अप्रैल वी हैव स्टार्टेड इट एंड देन वी थॉट टू रिलीज इट ऑन दिसंबर इटसेल्फ बट वी कुडंट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ सम बहुत सारे चीज़ें हो गई टाइम लैप्स हो गया. तो हाउएवर लाइक इट टुक 1 year टू कंप्लीट इट एंड रिलीज इट. सो दिस इज द टाइम लाइक जून 4th और समथिंग वी हैव स्टार्टेड द शूट एक्चुअली. अप्रैल वी स्टार्टेड पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन एंड देन एग्जैक्टली 1 year दैट आई वांट टू रिलीज इट हाउएवर करके लाइक केम इनटू दिस वन. दिस इज हाउ द स्क्रिप्ट हैज कम. ओके, रानी रेस्क्यू का जब हम नाम ही सुनते हैं तो ऐसा फील आता है कि शायद वो एक एक्शन पैक्ड फिल्म होगी, बहुत मारधाड़ होगी, रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना. जब बचाने के लिए जाएंगे ऑफ कोर्स एक्शन होगा, फाइट होगा. किस तरह की फिल्म होगी रेस्क्यू? टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कहता है. आई थिंक मोर देन फिजिकल दिस इज अबाउट मेंटल टॉर्चर जो जतिन के ऊपर किया जाता है. जो तीन लड़कियां जतिन को ट्रैप करती है एक घर में तो वो 3-4 दिनों तक जो जो होता है उसके साथ फिजिकल भी है, मेंटल भी है. एंड इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट. आप ये बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है. जनरली लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है. इट्स लाइक 1 in a million केस की ऐसा कुछ हो कि आप ट्रैप हो जाओ एंड देन हाउ यू कम आउट ऑफ इट. आई थिंक दैट इज़ वॉट रेस्क्यू इज़ ऑल अबाउट. सो आई थिंक अनयूजुअल स्टोरी है, बहुत रेलिवेंट है बिकॉज कभी भी आपके साथ आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द मोस्ट अनटूवर्ड सिचुएशन इन लाइफ. राहुल, जाना चाहूँगा क्या ये स्टोरी किसी रियल असली असल घटना से या हादसे से इंस्पायर? या एक्चुअली जब नयन ने नरेट किया था उस टाइम पे जब बोला था कि लाइक
आई हैव अ स्टोरी विच इज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम नागपुर में कुछ एक घटना हुई थी कि लाइक एक दूध वाले के पास कुछ मतलब लाइक तीन लड़कियां जो है वो कैप्चर करके अंदर रख दिया, फिर बाद में 3 दिन तक उसको लगातार टॉर्चर करते रहे. तो आई हर्ड अबाउट इट, आई गेस लाइक इट हैज़ नॉट कम इनटू ओपन इनटू अ न्यूज़पेपर और समवेयर, बट इट इज दैट वाज द रियल थिंग एक्चुअली. सो दिस ही सेड लाइक on that basis we are doing something, we have just kept ka matlab script jo hai wo uske upar likhte hain karke bola tha, theek hai koi baat nahi achhi hai karke maine bhi socha ki like is bar pehle jo hai masala karke thoda sa budget bhi zyada ho gaya tha, to isliye maine socha ki like okay is bar woman oriented stuff karte hain aur to that's how it has been done. Okay, nahi jaise aapne bataya ki aap love interest play kar rahi hain the film, aur wo teen ladkiyan जो कहानी का सूत्रधार आपने उन तीनों में से कोई एक ना होने के बजाय लीड का क्यों मतलब चयन किया? डिफरेंट है ये श्वेता जो है उसकी ऑफ कोर्स लव इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बहुत सारे शेड्स है फिल्म में. सो नो डाउट कि वो तीनों का जो कैरेक्टर है बहुत ही अमेजिंग है, एंड जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया है आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल. वी हैड एक्चुअली आई जस्ट नयन के साथ हमने बात किया था, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो हम लोग ने मैंने सोचा कि लाइक नहीं रानी जो है शी शुड बी इन अ पॉजिटिव थिंग एंड नेवर कंसीडरिंग एक्चुअली इनिशियली जब हम लोग पॉजिटिव सोच रहे थे कि वो तीनों में से कोई एक में करें, बट देन वी एंडेड अप विद श्वेता. ओके, जब इस तरह का कोई आप कॉन्सेप्ट उठाते हैं खास करके जहाँ महिलाओं का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो तीन लड़कियां बोलते हैं और किसी को जो थोड़ा बहुत समझ में आता है आपके आपसे बातचीत करके, वो कितना बोल्ड होगा? आई थिंक आजकल की जो लड़कियां एक्चुअली ऐसे इट्स अ सेक्सिस्ट रिमार्क की लड़कियां लड़के जो भी है जो एक्चुअली कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज जब किसी इंसान को होते हैं तब वो किस लेंथ तक जा सकता है यू नेवर नो. सो वही है इस फिल्म में कि तीन लोग जब उसको ट्रैप करते हैं उनका मोटिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों ये कर रहे हैं, वी डोंट नो एज येट. वंस यू वॉच द फिल्म यू नो, बट देयर इज नथिंग लाइक लड़का और लड़की, लड़कियाँ करती हैं, बोल्ड हैं, सब आज के ज़माने की लड़कियाँ हैं. सो आई थिंक दे कैन गो टू एनी लेंथ थ्रू व्हाट एवर दे हैव gone through, whatever the torture things, like so many things have been done in the society actually. Society ke upar jo bhi hai uske matlab like they want to take some revenge or something like that. Climax full picture samajh mein aa gayi. So teen ladkiyan aur is tarah se jitna thoda bahut samajh mein aata hai kisi ko trap kar lena aur kya kehna chahiye itna itne bold kirdar mein sab kuch ho raha hai. मतलब ये कम्प्लीटली लड़कियों के ऊपर है, लाइक हाउ दे फील, हाउ दे मतलब इट्स ऑल अबाउट द गर्ल्स एंड फ्रीडम एंड हाउ दे लिव इन सोसाइटी एंड हाउ द थिंग्स आर इन सोसाइटी लाइक. तो यू हैव टू सी द मूवी फॉर दिस, लाइक इफ आई एग्जैक्टली टू अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस गर्ल्स दैट व्हाई दे वुड ट्रैप. Right, all the four girls have got a different genre completely. Like everyone there has got a particular reason. Right, सबके लिए अलग अलग reasons भी है उनका जो करने का जो whatever they react for every scene, every action and all that. Yeah. For everything there is a reason behind that. So. Rani, do you want to throw some more light on the same question? You know, do you agree that there might be a sexual desire? So there are various reasons ki koi aisa kyun kar sakta hai. Maybe kisi ko kisi se just revenge lena hai. Maybe somebody sexually wants to exploit someone. And generally we hear that it's the women getting sexually exploited.
So I think men getting sexually exploited, this is different. This is ulta. This is no, we have to care about men also. That is what we are saying in care movie. About what we care. We are not caring about you at all. So it could be a variety of reasons, really. Lots no, of reasons. Actually, it is like maybe bachpan mein kuch ho gaya aur the whole society is completely aiming on only girls, girls, girls getting raped, girls getting raped. So, yeah, so this is also like there is this attention. Is one more thing that is like men is also there. getting hai, yeah, getting attacked. Yeah, so we have to break that so wo log teen log kyun karte stereotype. Hain, I think hum to film dekh ke hi pata chalega ki wo kyun karte hain. Mujhe bhi nahi pata because I'm his love interest in the film, so I'm not right, one right. of the three girls. Right. She has got separate reason him, and, so yeah, I also want just to know love ki interest. Kyun yeah. kiya unhone aisa. Okay, kya kab film release hone ja rahi hai, kab release hone ja rahi hai, kya message denge audience se, wo kyun aaya film ka hissa bane. 14 June 2019 yeah. the film is releasing and I would really want I think adult hai of course the to bacche jaake nahi dekh sakte but all the youth kuch hai nahi usme kuch kuch hai nahi matlab what is there inside only the thing youth, is like it's because of violent the youth, just the content that's it aur kuch nahi. Okay, so everyone can watch the movie Bindaas. It's releasing on June 14th and the name is Rescue. And rescue me from the girls. Do you want to be rescued? Of course. He wants to be rescued. Of course. Okay. Done.